हेलो एवरीवन वेलकम टू योर चैनल दिस इज़ नवमिता सनगुप्ता बाई प्रोफेशन एडवोकेट मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं लीगल कंसल्टेशन के लिए कुछ लोगों को पता भी नहीं चलता है उन लोगों के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है और काफ़ी टाइम तक चल रहा है ये चीज़ सो ये सब चीज़ मैं इस चैनल पे आज एड्रेस करूँगी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डोमेस्टिक वायलेंस क्या है एनी वायलेंस विद अ वुमेन इन अ डोमेस्टिक सर्कल इज कॉल्ड डोमेस्टिक वायलेंस ये किसी के साथ हो सकता है लाइक विद अ वाइफ विद अ ग्रैंड मदर विद अ मदर विद अ गर्ल फ्रेंड इन अ रिलिव इन रिलेशनशिप इट कैन हैपन विद एनी वुमेन लाइक किसी के साथ मारना पीटना जो फिजिकल हार्म होता है मेंटल वायलेंस लाइक ताने सुनाना बच्चा नहीं होने के लिए ता, ताने सुनाना गंदे तरीके से बात करना कोई भी डिफेमेटरी वर्ड्स यूज़ करना ये मेंटल हेरासमेंट होता है इट कैन बी आल्सो सेक्सुअल हेरासमेंट्स एंड आल्सो फिनैंशियल क्रिएटिंग फिनैंशियल बर्डन लाइक नॉट गिविंग मनी फॉर मेडिसिन एंड नीडफुल थिंग्स टू अ वूमेन मेरे पास बहुत सारे मेल भी आते हैं और पूछते हैं मुझे कि अब डोमेस्टिक वायलेंस कैन बी एप्लीकेबल टू अ मेल आल्सो सो इसका आंसर यही है डोमेस्टिक वायलेंस कैन हैपन विद अ मेल आल्सो बट जो जो सेक्शन एंड एक वुमेन के लिए होता है वो मेल के लिए एप्लीकेबल नहीं है इसके लिए अ मेल कैन फाइल अ डिवोर्स केस इन मेंटल क्रेलिटी ग्राउंड देर आर थ्री लॉज फॉर डोमेस्टिक वायलेंस फर्स्ट वन फोर ए अगर कंटिन्यूसली आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो आप पहले जो आपको करना होगा एक कोई भी कंप्लेन आपका जुरिस्डिक्शन का पुलिस स्टेशन में जाके आपको लॉन्च करना पड़ेगा दैट इज़ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इफ द पुलिस डजेंट टेक द एफ आई आर एट लीस्ट यू कैन फाइल अप कम्प्लेन दैट इज जनरल डायरी आपके पास अगर कुछ एविडेंस हो लाइक like रिकॉर्ड और कोई भी नाइक लाइक पिक्चर्स लाइक आपके साथ कैसे फिजिकल हार्म हुआ और कोई भी गंदे तरीके से बात किया उसका कुछ रिकॉर्डिंग वो आप शो कीजिए पुलिस को एंड दैट कैन हेल्प पुलिस टू टेक फॉरवर्ड टू कोर्ट सेक्शन 406 जीरो सिक्स ऑफ आई पी सी कैन बी ऑल्सो इनकॉर्परेटेड विथ फोर ए आपके घर से लाइक पेरेंटल हाउस से जो गहना फर्नीचर्स आर्टिकल्स जो मिला है शादी के टाइम पे, अगर आपको लगता है वो आपको वापस चाहिए बिकॉज़ यू कैनॉट स्टे विथ योर हजबैंड और योर इन लॉज एंड यू हैव टू टेक अनदर शेल्टर और गो बैक टू योर पेरेंटल हाउस तो उस चीज़ के लिए रिकवरी ऑफ आर्टिकल्स दैट इज़ फोर जीरो सिक्स का सेक्शंस एप्लीकेबल है एंड वही पुलिस आपको आपका जुरिस्डिक्शन का ही पुलिस आपको इस चीज़ के लिए हेल्प करेगा दूसरा है डाउड़ी प्रोहिबिशन एक्ट नाइनटीन सिक्सटी वन हम लोगों को पता है डाउड़ी लेना या देना दोनों ही गलत होता है इसमें आई पी सी का थ्री जीरो फोर का जो सेक्शन है वी कैन इनकॉर्पोरेट ही कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर पर अगर डेथ होता है या इंजरी होता है इसके लिए टेन इयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट विथ फाइन और विथ बोथ ये पनिशमेंट होता है तीसरा है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 this is a civil law and can help women in domestic violence isme a service provider or a dom like a person who can help you that is a protection officer can protect you from mental physical and sexual harassment isme jo order aata hai, protection officer ka, that can help you from res residential help or an order to get a different residence uh, which is not your marital home एंड ऑल्सो मोनिटरी रिलीफ दैट इज जो खड़पोश नहीं और हम लोग बोलते हैं लाइक एलिमनी uh, के लिए अ विक्टम कैन ऑल्सो गो टू अ पुलिस और मैजिस्ट्रेट टू सीक हेल्प फॉर डोमेस्टिक वायलेंस इवन लीगल एड दैट इज फ्री लीगल एड जो हम लोगों के पास होता है कोर्ट में इवन अ प पर्सन कैन सीक फॉर दैट इफ़ देर इज़ एनी सीरियस मोनिटरी इशू टू फाइल अ केस मैं इस चैनल पे और भी लीगल मैटर्स इन फ्यूचर लाऊंगी। इफ़ यू लाइक माय वीडियो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू फॉर वाचिंग।